हाय, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी हम बज गए सुबह के 8 और कॉल आ गया कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तो अभी ये हमारा टेंट कैंप है जिसमें हम नाइट को स्टे किए थे। काफ़ी थक गए थे और बहुत अच्छा नींद आया है। अभी हम आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में आज मॉर्निंग में क्या क्या है। चलिए चलते हैं। ये कैंपिंग साइट का सुबह का नज़ारा है। ये देखिए, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। सूर्य नारायण जी के दर्शन निकलते ही रूम से। हलवा है, गर्मा गर्म सूजी का हलवा, और आपको कुछ बताएंगे। ये देखिए, अभी ये देखिए पोहा है, बहुत बढ़िया पोहा बना हुआ है। टेस्ट करेंगे फिर आपको बताते हैं। ये पोहा हो गया, इधर आ जाइए। ये भाजी है, आलू मटर का भाजी बने हैं, और इसको भी अभी टेस्ट करेंगे फिर आपको बताते हैं। अभी गर्मा गर्म है, 8 बज रहा है, ठीक है। गर्मा गर्म पूड़ी आ गई है, आप इंजॉय कीजिएगा भाजी के साथ पूड़ी। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल जर्नी विद युवराज। अभी हमने अपना कैंपिंग कंप्लीट कर लिया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। अभी हम जा रहे हैं लोंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ। यहाँ का सारा आपको व्यू दिखाएंगे, बॉर्डर भी दिखाएंगे, और उसके बाद शाम को हम तनोट माता के मंदिर भी जाएंगे, जहाँ पे आर्मी द्वारा ही उसकी पूजा होती है। आरती आर्मी करती है और आर्मी के अंडर में वो आता है। तो लेट्स गो गाइज, और चलते हैं हम लोंगेवाला की तरफ। तो वेलकम दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं इसको कैंप को चेकआउट, और यहाँ के अभी जो भैया हैं ऑनर हमारे साथ हैं। भैया, योर गुड नेम? आर्यन अली। आर्यन अली इनका नाम है, और इन्हीं का ये प्रॉपर्टी है। कैंपिंग बहुत शानदार रहा, खाना बहुत डिलीशियस रहा, और आप कभी भी आना है तो आप इधर जैसलमेर में आ सकते हैं। और अपने भैया थोड़ा नाम बताइए अपने। सर, मेरा नाम आर्यन अली है। यहाँ डेजर्ट में अपना कैंपिंग है, हॉनेस्ट डेजर्ट कैंप है अपना। यहाँ पे लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छा कैंपिंग है यहाँ पे जी। आप 1500 से 2000 के बीच में लग्जरियस स्टे ले सकते हैं पर पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट रहता है आपका, डिनर रहता है, कल्चरल डांस रहता है, जीप सफारी रहती है, कैमल सफारी रहती है, सब कुछ होने वाला है। गाइज वेलकम जैसलमेर, वेलकम टू इंडिया, लव यू, टेक केयर। तो फाइनली भैया हमारी गाड़ी आ गई है और हम चलते हैं लोंगेवाला जी। ये है अपना कैंपिंग, और आउटसाइड में ये अपना गाड़ी आया है, देखिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने आप कैब को हायर कर लिया है। ये देखिए कितने प्यारे घर बने हुए हैं यहाँ पर, पूरा गोल्डन। गाइज अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, उसका रीज़न ये है कि अभी 3 बजे के बाद जो इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस पर जाने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए हमारे दिलीप भैया, ड्राइवर भैया ने ये बोला है कि अभी हम पहले इंडो पाक बॉर्डर चलते हैं, उसके बाद हम लोग लोंगेवाला आएंगे, फिर आफ्टर तनोट टेम्पल। तो भैया जो अपना बॉर्डर है उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। बॉर्डर सर, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का इंडो पाक बॉर्डर है। ओके। जो 1990 से पहले ये यहाँ पे बॉर्डर था ही नहीं, ये ओपन था, लोगों का आना जाना था, आपस में इनकी रिश्तेदारी थी। जैसलमेर और पाकिस्तान में जो गांव है उनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सबकी आपस में रिश्तेदारी थी। जी जी। बट अभी 1990 के बाद में कुछ हालात परिस्थितियाँ ऐसी रही कि भारत गवर्नमेंट को वो अपनी तारबंदी और बाउंड्री करनी पड़ी। तो जो फेंसिंग है हमारी तरफ से या पाकिस्तान की तरफ? वो हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं है। वहाँ पे एक छोटी सी चौकी है और उन पर एक झंडा लगा हुआ है। अच्छा, और अच्छा। वहाँ पे उनका कोई मूवमेंट नहीं है। हिंदुस्तान का पूरा फुल मूवमेंट है, पूरी BSF है बॉर्डर पे। ओके। और पेट्रोलिंग होती है, और 3-5 वहाँ पे कोबरा वायर बोलते हैं जिसमें फुल करंट रहता है। ओके। बाई चांस वहाँ 2 लेयर में फेंसिंग हो रखी है, अगर कुछ होता है तो उसमें आता है, तो उसमें 5 लेयर के 5 कोबरा वायर है, जो मौत के वायर आप बोल सकते हो। Okay. हाथ लगाया नहीं, चाहे पक्षी हो चाहे इंसान हो, 1 सेकंड में डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमारे वहाँ सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है।
तो क्या हम कुछ वहाँ पाकिस्तान के मूवमेंट को या किसी गांव को भी देख पाएंगे? नहीं, गांव को नहीं देख पाओगे, पाकिस्तान की दो चौकियां हैं उनको देख पाओगे, और एक उनका दूर से एक आप अगर जूम करोगे तो उनका एक टावर दिखता है। ओके, तो वहाँ पे कोई मोबाइल कंपनी का जो उनकी देश की कंपनी होगी उसका वहाँ पे वो टावर है, और वहाँ पे कोई मूवमेंट होता नहीं है, क्योंकि गाँव वहाँ से कम देखा जाए तो 40-45 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। अच्छा अच्छा, उस रेंज में कोई अभी है नहीं। तो जो अपने बॉर्डर पे उनका जो स्टेट लगता है वो कौन सा लगता है, लाहौर लगता है या इधर का? इधर कराची लगता है, कराची से। कराची से, और ये सिंध बॉर्डर है। अच्छा, सिंध बॉर्डर। हाँ, जो अमरकोट है वो भी नजदीक है। ओके, तो गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि उनके हम लोग उनका जो चौकी आए पाकिस्तान की उसको भी देख पाएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और जो यहाँ से हम जिस रास्ते से हम जा रहे हैं पूरा रेगिस्तान पड़ने वाला है, जो सैम है ना उससे भी बहुत बेहतरीन आपको थार जो रेगिस्तान है मिलने वाला है। तो चले टू बी कंटिन्यू। ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैकेनिक और जो मिस्त्री है उनको लेके जाइए अपना यूट्यूब ऐसा करें। तो गाइस एक बात बताने जा रहा हूँ मैं, जो हम अभी जैसलमेर में हैं ये इंडिया के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले पे अपना हो गया कच्छ जो गुजरात में है, और जो लेह है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और तीसरे नंबर पे है जैसलमेर। जैसलमेर और जो टॉप 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 4 राजस्थान में हैं। जैसलमेर हो गया, फिर बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, और एक है परमार। एक बात बताता हूँ भैया, जो हमारे से साथ ये दिलीप भाई हैं, इनके जो फादर हैं उनके नाम का जो खेत है इधर का 170 बीघे खेत है, जिसमें अभी इन्होंने लास्ट ईयर जीरे की खेती की थी। तो जीरे की खेती हुई थी 42 लाख रुपए की, इसमें से 30% लेबर का बता रहे हैं ये कॉस्टिंग, और 10-15% और खर्चे आ जाते हैं। तो लगभग मोटा मोटी इनको 25 लाख का बचत हुआ था जीरे के लिए। तो इसमगोल जो होता है इधर भी होता है ना भैया? इसमगोल कौन से महीने में होता है भैया? अभी होता है सर, ये नवंबर में बुआई होती है और ये होली के तक की, होली के बाद तक ही कटाई हो जाती है इसकी। ओके, यहाँ जीरा जीरे की फसल बेसिकली बहुत बहुतायत में होता है, और इसमगोल जिसको इसमगोल की भूसी जो बच्चों के लिए या हम लोग जो डिसेंट्री हो जाती है जो दस्त हो जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, और हम पहुंच गए अभी रामगढ़। रामगढ़ एक उप तहसील पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अपने जैसलमेर में। तो यहाँ ये फेमस है, यहाँ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टीवी टावर है जो यहीं पे स्थित है जैसलमेर में, है ना भैया? ऐसा ही है ना, और इंडिया का पहला जो टीवी टावर है वो यहाँ स्थित। 300 मीटर इसकी हाइट है, 300 मीटर हाइट है, और लगभग 980 फीट हो गया। मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अभी पहुँच गए रामगढ़। हाँ, रामगढ़ में ड्राइवर भी और कह रहे कि भैया हमें थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, हमको भी चाय पीना है, और हम टेस्ट करके भी बताएंगे आपको यहाँ की चाय कैसी लगी। और राजस्थानी चाय जो जैसलमेर की फेमस चाय में है, इन्होंने कहा ये ढाबा बहुत अच्छा है, यहाँ चाय पियेंगे, मैं अक्सर आता रहता हूँ। चलते हैं भैया। ये है बालाजी मिष्ठान भंडार एवं किरयाना स्टोर। भैया अभी हम लोगों ने यहाँ से चाय पी लिया है, और अभी चलते हैं बॉर्डर की तरफ, सारा दिखाएंगे यहाँ से हमने चाय पिया। एक्चुअल में आज इलेक्शन हुआ है तो उसकी वोटिंग अभी कंटिन्यू जा रही है। यहाँ सब लोग चाय पी रहे थे, ये यहाँ के राजस्थान के लोकल लोग थे,
भैया यहाँ कौन किसकी गवर्नमेंट आने वाली है अभी? बीजेपी की, जैसलमेर में छोटू सिंह, पोकरण में प्रतापपुरी जी, शिव में रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी का तो हमने यूट्यूब पे भी काफी देखा है, वो ट्रेंड में चल रहे हैं, भारतपुरे में लोग उसको लाइक करते हैं। चलिए भैया आप कभी आइए मथुरा, बिल्कुल आइए देखने, भगवान कृष्ण के दर्शन करने। चलो टेक केयर, बाय। फ्रेंड्स ये देखिए वो है ये टावर जो इंडिया में पहले नंबर पे आता है। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ मैं। हम हैं जैसलमेर में और मात्र पाकिस्तान से हैं हम 80 किलोमीटर दूर, और आपको ये चीज़ दिखाते हैं। लोग कहते हैं राजस्थान में पानी है नहीं, अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी नहर है जो राजस्थान को सींचती है। ये है जैसलमेर में और रामगढ़ ग्लेज में ये नहर है, इसमें पानी का लेवल देखिए आप कितना। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी वहाँ चाय पिया था, उसके बाद अभी जा रहे हैं हम सीधा टनौट, जहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट मिलेगा वहाँ हमारी चेकिंग होगी और वहाँ पास इशू किया जाएगा बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर के लिए पास वहाँ से बनने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा। गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए टनौट माता का टेंपल जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो अभी क्या है कि अभी बॉर्डर को 3 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता, तो इसलिए अभी हम यहां फॉर्म लेते हैं, फॉर्म को फिलअप करना होगा। बीएसएफ ने अपनी चेक पोस्ट बना रखी है यहां पे। फाइनली भैया हम पहुंच गए हैं अभी इंडो भारत बॉर्डर पर। ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये है अपना मेन गेट जहां से हम एंट्री करेंगे, और जो ऊपर उधर टावर दिख रहा है उधर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है। तो फाइनली हमने यहां चेकिंग करा लिया है और अपनी कुछ पिक्चर्स ले ली हैं आपके थंबनेल के लिए, और चलते हैं। ये है वो टावर जिस पे हम ऊपर जाएंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। जो ये टावर है ना, टावर वो पाकिस्तान आर्मी का है, और इसके बाद ये जो अपना चेक पोस्ट लगा है वो आर्मी चेक पोस्ट है पाकिस्तान की, उधर से पाकिस्तान उसको कवर करता है, बट फेंसिंग हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है। यहाँ पाकिस्तान का कोई मूवमेंट नहीं है, ये लाइटिंग्स और ये फेंसिंग अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। जो बसावट है जो सिंध और कराची के बीच में है, यहाँ से उनके 40 किलोमीटर दूर गांव बसने लगे हैं। एक व्यू देते हैं हम आपको पूरा, आप देखिए एंजॉय कीजिए। ये उधर चेक पोस्ट है उधर की साइड, बट हमें अलाउड नहीं हुआ जाना, तो अभी यहीं से ऊपर से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये 609 है, वो 604 है, वी आर ओनली अलाउड टू 609। सो यही है अभी व्यू, और फिर थोड़ी देर में नीचे चलते हैं और फिर आगे दिखाते हैं वहाँ क्या है। तो फाइनली आपको सारा व्यू मैंने दिखा दिया है और हम चल रहे हैं अभी नीचे। शाम को ये यहाँ पे फ्लैग मार्च होता है डेली, ये लोग यहाँ सिटिंग एरिया सीट्स बनाई हुई हैं, यहाँ बीएसएफ की तरह से शो किया जाता है, जैसे अपना बाघा बॉर्डर पे देखते हैं, यहाँ छोटे लेवल पे है बट होता है। ये परेड ग्राउंड जो इन लोगों का यहाँ ऑर्गेनाइज होता है, इधर सीट्स बना रखी हैं बैठने के लिए लोगों के लिए इधर भी। चलो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आगे हमको जाने परमिशन है, बट एक बार चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप वो परमिट कर दें हमको जाने के लिए, हम पूछते हैं। गाइस ये देखो कैमल है इधर, और ये लोग यहाँ पे घास खा रहे हैं। ये देखिए कैमल
रोड को क्रॉस कर रहा है। ये डंकी बाबा आ गए। अभी हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है और हम पहुंच गए तनोट माता का मंदिर, जिसको बीएसएफ अपने ही द्वारा संचालित करता है और पूजा वगैरह सब बीएसएफ वाले ही इसको करते हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आपको माता रानी का मंदिर। इसका मेन एंट्री गेट देखो, ये लिखा हुआ है प्रबंध संचालन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसको ऑर्गेनाइज करती है। प्राउड इंडियन आर्मी, सरहद हैं कायम जिनके दम से। ये देखिए सारे वेपन्स लगा रखे हैं, माइन एंटी टैंक्स। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधव सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधे से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की, ना पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारिक घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले धोरों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़बत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रणबांकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर मां को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। तो ये बीएसएफ ने यहां पे डिस्प्ले लगा रखा है, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में ये लोग बता रहे थे, काफी अच्छा लगा। देखिए ये अपनी बीएसएफ जो सफाई और सारा काम खुद ही संभाल रहे हैं, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन अपना बीएसएफ ही करता है। नोट माता में एक कुआं बना हुआ है, इसमें ऐसी मान्यता है कि आप जो भी अपना मन में अपनी इच्छा लेके आते हो वो पूरी होती है, तो यहाँ पे ये बांध दिया जाता है, धागे बांध के जाते हैं। अभी चलते हैं मेन मंदिर में, ये है एंट्री यहाँ की मातेश्वरी टनोटाई मंदिर। स्लीपर्स वगैरह यहाँ उतार सकते हैं, ये देखिए। जय मातेश्वरी टनोटाई मंदिर, ये हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, क्या बात है। जय पाओ, यहाँ रिसेंटली अभी ये कुछ लोग आए हुए थे, उनकी तस्वीर लगा रखी है। ये माँ का त्रिशूल, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। ये छत्र वही है जो अभी आपको जो डिस्प्ले में सुनाई दे रहा था उसके बारे में ही है। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ जी की प्रतिमा है, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। मातेश्वरी साक्षात दर्शन कीजिए आप। जय जय माता की जय, राधे राधे। का मंदिर जहाँ पे देखिए कितने सारे हैंकीज बंधे हुए हैं, जो कुछ अपने मन में मनसा लेके आते हैं लोग यहाँ बांध के जाते हैं और पूरी करने के बाद इसको खोलने के लिए आते हैं। फाइनली दर्शन हो गए हैं और हम निकल रहे हैं अभी मंदिर परिसर से बाहर और अभी चलते हैं, अभी थोड़ा सा बाहर का व्यू और दिखा देते हैं, पूरे मंदिर कैंपस को दिखा देते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट हम करके आए थे बट अभी 3 बज गया है, तो अभी लंच करेंगे और लंच में दिखाएंगे आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना जो अभी हम खाने जा रहे हैं। यहाँ तनोट के पास एक रेस्टोरेंट है, उसमें चलेंगे फिर खाना एंजॉय करेंगे। बकरा दादा घूम रहे हैं यहाँ पर,
ये प्रसाद हमको दिया है तनोट माता में। ये जो गेट है जो हम अभी यहाँ से एंटर किए थे, आप तनोट आते हो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इन लोगों ने काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर यहाँ पे शॉपिंग के लिए आइटम्स लगा रखे हैं, लाइक कप, ये देखिए सब कुछ लगा रखा है BSF के द्वारा, पूरा सब सामान रख रखा है। आप शॉपिंग करके यहाँ से ले जा सकते हैं, कटलरीज वगैरह, प्लेट्स, कप, ये देखिए बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अभी आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और ज़्यादा अच्छा पीनी, सुबह बड़ा हैवी पूरी वगैरह हो गया था तो अभी सिंपली दाल रोटी और छाछ मंगाया है। ये देखते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा आया है। चलिए टेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली खाना हो गया है, खाना टेस्टी था, बढ़िया था, ऑथेंटिक खाना मिला और अभी हम निकलते हैं लोंगे वाला चेक। गाइस एक बात तो है, राजस्थानी खाना लगता बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया, भूख नहीं थी तभी भी तीन तीन रोटी खा ली। चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ।